देवड़ो नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होला, फर्स्ट क्लास होला। और आज इस ब्लॉग की शुरुआत जो है वो रात के 10 बजे से शुरुआत हो रही है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग हैं जो अपना स्किन केयर नहीं करते हैं या करते हैं, करने वालों को तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं करते हैं उनको मैं आज एक छोटी सी रेसिपी बताने वाला हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये जो रेसिपी है वो हमने जो है वो किसी ब्लॉग में हमने देखा है, स्किन केयर ब्लॉग में, मैंने नहीं, प्राची ने देखा है। और लगातार एक हफ्ते से जो है हम इस रेसिपी को जो है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, प्राची कर रही है। मैं तो यार हफ्ते में मतलब मैंने दो बार किया होगा मुश्किल से, क्योंकि मैं मतलब कभी कभी बोलता था अरे छोड़ो कौन कर रहा है, बट लड़कियाँ थोड़ा रेगुलर रह लेती हैं इसमें। तो हम लोग इसको रेसिपी नहीं बोलेंगे, इसको रेमेडी बोलेंगे, जिसको आप डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल कर सकते हो। तो बता देता हूँ आपको कि कैसे ये रेसिपी बनती है, कैसे रेमेडी बनती है। यहाँ पे जो है वो छोटी सी सामग्री है। सबसे पहले जो है वो फेस को क्लीन करना होता है, उसके लिए ये रॉ मिल्क है, दूध है, तो ये जो कॉटन है, कॉटन से आप जो है पहले फेस क्लीन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें अब इसमें आप देखो, इसमें आपको तीन चीजें दिख रही होंगी। पहला जो अंदर है वो चुकंदर को इंग्लिश में बोलते हैं बीट रूट। दूसरा ये जो है ये मेथी दाने हैं, और ये मेथी दाने जो है वो उबाल के रखे हुए हैं, ठीक है। और तीसरा हमने इसके ऊपर डाला है एलोवेरा जेल, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हम लोग, और इसमें थोड़ी सी एक चम्मच ग्लिसरीन, और ये एक चम्मच ग्लिसरीन इसमें जाएगी, ये हमने इसमें डाल दी है। तो बस इसको जो है अभी मिक्सी में जो है ग्राइंड करके एक पेस्ट बनाना है हमको। ये देखिए भाई, इसको और ग्राइंड करना पड़ेगा, थोड़ा और पतला करना पड़ेगा, बिल्कुल जो है वो पाउडर जैसा करना पड़ेगा। और इसमें एक्स्ट्रा एलोवेरा हम लोग डाल रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मम्मी को बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कि मम्मी का फेस ऑलरेडी इतना ग्लो करता है ना, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मम्मी आज तक नहीं लगाया होगा तुमने ना, कोई फेस वॉश नहीं, कुछ नहीं, बस पानी से मूड होती है, गाजियाबाद के नमकीन पानी से, और सब कुछ सेट रहता है, वो भी साबुन से, और फेस बिल्कुल क्लीन है आज तक, यार कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये सब करने का एक और रीजन भी है, क्योंकि एक तो फेस्टिवल टाइम है, दिवाली वगैरह है पूरी, और नवंबर में जो है हमारे रिलेटिव में काफी शादियां हैं, और दो इम्पोर्टेंट शादियां वो है, एक मेरे कजन की शादी है जो कि देहरादून में है, और एक प्राची के कजन की शादी है जो कोटा में है। तो उसके पहले हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया से जो है अपना फेस जो है चमक जाए। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का जो है वो पेस्ट रेडी हो चुका है, और अब मैं खुद अपने ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करूंगा इसका। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि यार पहाड़ियों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वो ऑलरेडी गोरे होते हैं, पर क्या होता है कि अभी हम तो जो है वो सिटी में रह रहे हैं, तो सिटी में धूल मिट्टी सब कुछ जो है वो फेस पे लग जाता है, तो थोड़ा बहुत जो है वो स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, तुम्हें पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़कों को भी लड़कियों को भी। प्राची एक बात बताओ मुझे, जैसे लोग कहते हैं ना कि स्किन केयर सिर्फ लड़कियों का काम है ना, तो लड़कों को भी तो करना चाहिए स्किन केयर। ह्यूमन बॉडीज है, क्लीनिंग सबके लिए जरूरी है। सही बात, अगर आप उसकी केयर करोगे तो वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट देगी, बिल्कुल, वो भी खुश रहेगी, आपको भी खुश रखेगी। तो बॉडी की हर चीज की केयर करना हमारा फर्ज होता है, तो हमें करनी चाहिए। और वैसे भी देखो यार, हमारा काम तो हम व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस में आते हैं, गाने कर रहे हैं, पहाड़ी सॉन्ग जो हमारे हैं, तो उसके लिए जो है वो स्क्रीन पे जो है थोड़ा बहुत अच्छा गोरा चिट्टा और बढ़िया दिखना तो बनता है ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्किन केयर तो बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि पहला स्टेप है आपको फेस क्लिंजर यूज़ करना है, और क्लिंजर दूध से बढ़िया कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास दूध है, रॉ दूध, उबाला हुआ दूध नहीं चाहिए, रॉ मिल्क चाहिए, और ये कॉटन आप नॉर्मल जो कॉटन होती है वो भी ले सकते हैं, अभी लड़कियों के पास रहती है तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हल्का सा डिप करना है इसमें आपने डिप किया, और अब फेस को आपको जो क्या करना है, क्लीन करना है। तो ये क्या करेगा, आपके फेस के जो जितने भी स्पॉट्स होंगे, मतलब जैसे भी जो आपका जैसे नॉर्मल जो होता है वो क्लीन कर देगा। तो ये आपको बस इससे क्लीन करना है। और दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, अभी देखो मैंने हाथ में ले ली है बेसन, और बेसन को आपको इतना ही लेना है, और इसके ऊपर जो है आपको दो चार पानी की बूंद डालनी है, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना, मैंने हल्का सा पेस्ट बना दिया है, और इस पेस्ट को जो है आपको
हल्का सा हाथ में लपेट के और सर्कुलर मोशन में, समझ रहे हो आप? आपको बिल्कुल रगड़ना नहीं है फेस में, सर्कुलर मोशन में आपको इसको सर्कल करना है, ठीक है? जो जैसा भी फेस का आपका स्ट्रक्चर है, सबका एक जैसा ही तो होता है स्ट्रक्चर तो ये आपको बस हल्का सा जो है इसको बिल्कुल ऐसा रगड़ना नहीं है, जैसे जैसे हम पहाड़ी लोग होते हैं हर चीज में जान लगाते हैं, वैसे जान नहीं लगानी है इसको, बस जो है आपको स्किन को वो करना है, रिलैक्स फील करना, रिलैक्स नींद आ रही है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया और इसके बाद जो है आपको फेस धो देना है। तो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये जो पेस्ट आप देख रहे हो मेरे हाथ में, अब ये पेस्ट को जो है आपको फेस पे लगाना है और ये पेस्ट सूखेगा नहीं, ये पूरे टाइम गीला ही रहेगा। तो आपके ऊपर है, आप 10 मिनट रखो, 15 मिनट रखो, 20 मिनट रखो, बस इतना काफ़ी है। 15-20 मिनट इज सफिशिएंट टाइम। बस आपको अब क्या है कि अपने चेहरे पे इसको लगाना है। हल्का हल्का ले लिया मैंने, इतना ठीक है। इसको रब कर दिया मैंने, वो स्किन में जाने दो अच्छे से, ठीक है। अब इसमें चुकंदर भी है और चुकंदर जो है वो पूरा खून बढ़ाने का काम करता है, अंदर से भी स्किन भी जो है इसको धीरे धीरे अब्सॉर्ब करेगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि स्किन के हर पोर्स के अंदर ये चीज चली जाए। तो आपको इसके लिए इसको जो है सर्कुलर मोशन में, मतलब जैसा भी मोशन आपको चाहिए, लूज मोशन की बात नहीं करना, सर्कुलर मोशन, उसमें आपको इसको लगातार फेरना है स्किन के ऊपर, ताकि स्किन जो है अब्सॉर्ब कर लेना उसको बढ़िया से, ठीक है। ज्यादा रगड़म रगड़ा ही नहीं करनी है इसमें, हल्का हल्का रखना। और अभी मैंने बढ़िया से इस पूरे पेस्ट को जो है अपने चेहरे पे लगा लिया। अब 10 से 15 मिनट जो है मैं इसको ऐसे रखने वाला हूँ और उसके बाद जो है इसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। और इसके बाद एक छोटा सा चौथा स्टेप भी है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये है मेरे चेहरे की चमक उस पेस्ट को लगाने के बाद। आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लिप डाल रहा हूँ जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी और अब फेस की। अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो डेफिनेटली आप इस रेमेडीज को जो है अपने डेली रूटीन में आप कर सकते हैं। और ये वाली जो रेमेडी है इसका प्रोसीजर काफी लंबा है, इसको महीने या दो महीने में एक बार आप लोग कर सकते हैं, लेकिन करना है तो प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो अब जो है मैं अपने फोर्थ स्टेप यानी कि फाइनल स्टेप पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मेरे इस छोटी सी कटोरी में है मुल्तानी मिट्टी का लेप, जो कि मैं लाइट लाइट सा जो है अपने फेस में लगाने वाला हूँ। इसमें इसको ज्यादा मोटा नहीं लगाएंगे, बहुत पतला लेयर हम लोग लगाएंगे इसको फेस पे। तो आप ये है, और ये मुल्तानी मिट्टी बेसिकली किसके लिए है कि जो आपके पोर्स है ना जो खुल चुके हैं उसको बंद करने के लिए। अब आप बोलेंगे यार पोर्स बंद क्यों करने हैं, अब एक बार बताओ अगर आपके पोर्स खुले रहेंगे और कल को आप फिर दोबारा धूल मिट्टी में जाओगे तो फिर उसके अंदर धूल मिट्टी जम जाएगी। तो इससे मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है कि आपके पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये फाइनल स्टेप है, इसके बाद इसको क्लीन करके बस आप सो जाओ, अच्छी बस आप सो जाओ, तो रात हो गई ना, सोना तो पड़ेगा भाई। अच्छी स्किन के लिए अच्छी नींद भी बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद सो जाएंगे। अब वन मोर थिंग कि मुल्तानी मिट्टी के अंदर ग्लिसरीन मिला हुआ है, अच्छा, वो स्किन को एक मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा जिससे स्किन थोड़ी सपल सी, सॉफ्ट सी, हेल्दी सी रहेगी। ओके ठीक है, चलिए ये स्किन केयर वाला जो छोटा सा जो पार्ट था वो मैं फिनिश कर चुका हूँ। अब सोना है, सुबह फिर इस मजदूर को ऑफिस की तरफ निकलना है तैयार होके। तो चलिए, तो अभी ऑफिस से निकल के सीधा जो है वो मिस्टर रॉबिन के घर पे आ चुके हैं। कुछ स्वागत वागत नहीं करना है क्या? ग्लास ग्लास पानी कुछ कुछ भी नहीं भाई ये नहीं है, चाय है, पापा की जिम्मेदारी निभाता हुआ। आंटी जी आपने 25 तारीख को नामकरण है, कुछ सोचा है आपने कोई नाम बढ़िया सा कुछ है दिमाग में क्या रखना है? बहुत नाम जो भूमि आए वही नाम है, चार पांच नाम तो चल ही रहे होंगे अभी है। कई चार पांच तो बहुत चल गए। तो अभी जो है छोटी का जो है वो नामकरण भी है। और भाई पेरेंट्स लोग आप बताओ आपने कोई नाम हम सजेस्ट कुछ है दिमाग? अच्छा सेम डे रिवील करोगे, ठीक है। उसके बाद जब हम आएंगे उसके बाद तब रिवील करेंगे नाम क्या रखा हुआ है। तुम लोग तो हो नहीं यहाँ। हाँ यार हमें थोड़ा सा कुछ नो वो भी रिवील करना है बाद में वो भी नहीं बता सकते, वो भी अभी जाना है तो बताएंगे। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे मेरी दुनिया। क्या कौन सी थी वो मूवी? अमरेंद्र बाहुबली। पैर मारो नीचे रख दिया उसको, शाबाश ये सारे योगासन करते हो। और ये देखो यार अभी छोटी का जो है वो फोटो शूट भी हुआ है और ये प्रोफेशनल फोटो शूट है। आपको फोटोज दिखाते हैं, देखो यार कितनी
यूनिक फोटोग्राफ्स हैं और बहुत प्यारी हैं। और ये वाला फ्रेम देखो, यहाँ बेहतरीन। ये घर पे करके गए ना? घर पे करके गए भाई, कुछ वही लेके आए थे सारे प्रॉप्स सब, सारी चीजें वही लेके आए थे। और ये सारे प्रॉप्स जो हैं वो लेके आए थे, बकायदा फोटोज क्लिक की हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं इसके। फ्रेम भी आएंगे इसके, और एक छोटा फ्रेम है। वैसे मैंने छोटे बच्चे पहले भी पकड़े हुए हैं, ये मेरा पहली बार है। लास्ट जब भी दो बार आया डर रहा है। अरे नहीं, डर रहा है नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा पहली बार है इसको पकड़ना। वैसे मैंने पुनीत भाई की बच्ची को, यानी कि प्राची के बड़े भाई की बेटी मनस्वी को मैंने पकड़ रखा है, आशवी को पकड़ रखा है, सिर्फ पकड़ को पकड़ रखा है, पकड़ा, डायपर चेंज किया, चेंज किया, तरीके से भाई चीख मार दी। एक बार अभी निकल, पहले मैं बहुत डरता था बच्चों को पकड़ने से, बट फिर वो दो तीन बच्चों में ट्रेनिंग हो गई ना मेरी, फिर जब मेरा होगा अपना तो फिर मैं ऐसे ही संभालूंगा। सावरी सावरी तेरा खोटा का झावरी डीजे मा ठुमका तेरा। वो कह रही है कौन आ गया, नया बंदा? नहीं नहीं, पूरा साथ देगी भाई, बात करेगी, वो सुनेगी सारी बातें। देख भाई कुछ बात मारी इसने लगता है। भाई इसका रेगुलर है ये काम। अब बोल नहीं सकती तो कहीं से तो रिएक्शन देगी। रिस्पांस दे रही है तुझे भाई, मार के रिएक्शन दे दिया उसने। कह रही हां बोलो, यू डिजर्व दिस, यू नो यू डोंट डिजर्व माय टॉक, यू डिजर्व माय पॉड। बताओ आपने मेरा नया गाना देखा? नहीं हैं? नए साले, अबे साले वैष्णो भी बताएगी यार। वैष्णो भी तुमने देखा नया गाना मेरा? मैंने 50 बार देखा, 50 व्यूज हमारे ही है, हमारे घर के। कैसा लगा गाना तुम्हें? बहुत अच्छा, एक्टिंग कर रही है तुमने। गाने में कुछ बात है? बहुत बात है भाई, घर जाने का मन कर गया क्या? मन भी कर गया, और लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे हैं बंदे ने भाई। और लिरिक्स पता है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल लिरिक्स है, समझने वाले। आंटी जी यहाँ पे बना रही है गरम गरम पकोड़े। आंटी जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने बोला था आपको कि चाय से काम हो जाएगा, बढ़िया से पकोड़े बन रहे हैं गरम गरम। आंटी जी आपने मेरा गाना देखा नया वाला, कैसा लगा आपको गाना? तो कितनी बार देखे? कितनी बार देखा होगा आपने? 50-100 बार? कितनी बार देखे? अभी भी देखे तो को। अच्छा अपने गांव के याद गा रहे हैं, गांव को बुला नहीं सकते, जो घरवाली लोग हैं ना गांव के। हाँ जी, यहाँ शहर में रह रहे हैं, बिल्कुल वो बुला नहीं सकते अपने गाँव को। साथ में तड़ के पकौड़े बनाए। ये कौन से पकौड़े? तड़ू। तड़ू मतलब? तड़ू के पत्ते हैं ये। तड़ू भाई बहुत क्रिस्पी होते हैं। ये पत्ते कहाँ से मिले आपको? मम्मी ने उगा रखे हैं। जो उगा रखे हैं सुबह ही, मॉर्निंग में देखियो पूरा पूरा, ये क्रिस्पी रहेंगे, देखियो एक एक मजा आएगा खाने। चलिए इसको भी टेस्ट करेंगे अभी। तो देखो यार ये है वो पत्ता, और इसको टेस्ट करते हैं एक बार। ये भांग की चटनी है। ये भांग की चटनी है? क्या बात कर रहे हो आंटी जी। मतलब कैसे टेस्ट आ रहा है? पटेल जैसा, जैसे कटहल होती है ना, कटहल को फ्राई करके जो नॉर्मल वैसे जो सब्जी से खाने से पहले ऐसे खा लेते हैं, सेम वैसे टेस्ट आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है यार। टाटा कर दो, टाटा बोलो, टाटा फ्लाइंग किस कर दो, चाचा को नमस्ते कर दो। चलो बाय बाय, टाटा, सी। भाई यहाँ पे जो है वो पैकिंग की शुरुआत हो चुकी है, अलमीरा खुली हुई है, सारे कपड़े इधर उधर हो रखे हैं, डफल बैग पैक हो चुका है, एक बड़ा बैग पैक हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम? कुछ नहीं पता इसको, बस प्राची कह रही है बैग पैक करना है। कल कहीं जाने का प्लान हो रहा है, और ये पता चलेगा आपको मेरे अगले ब्लॉग में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी और प्यारी जगह पे जा रहे हैं हम लोग। इतना बता देता हूँ कि उत्तराखंड में कहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह पे जा रहे हैं। तो आने वाले ब्लॉग में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ जा रहे हैं। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो भाई लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।